तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आज हमें एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैचेस भी देखने को मिले और साथ ही साथ रोमन रेंस एंड द रॉक भी एक साथ आने वाले हैं स्मैकडाउन पर। तो पूरे शो पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले, आई मीन्स वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं द गेम ट्रिपल एच। तो जैसे ही ट्रिपल एच रिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें क्राउड की तरफ से चैंट सुनने को मिलते हैं ट्रिपल एच के, और जैसे ही यहाँ पर ट्रिपल एच लॉस वेगस में जो हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बारे में बात करते हैं, तब वहाँ पर जो क्राउड है वो चिल्लाने लग गई थी रॉकी सक्स के चैंट से। तो उसके बाद ट्रिपल एच ने कंफर्म किया कि रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंस फेस करने वाले हैं कोडी रोड्स को उनकी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर ट्रिपल एच ने ये भी बताया कि कुछ लोग इस मैच से खुश नहीं है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनको मेरा डिसीजन पसंद है या फिर नहीं पसंद है। उसके बाद ट्रिपल एच सीधा बोलते हैं वेलकम टू रोड टू रेसलमेनिया। तो उसके बाद सीधा निक ऑल्डस माइक पर आते हैं, तो निक ऑल्डस बोलते हैं कि भाई रोमन रेंस को तो अपोनेंट मिल चुका है, लेकिन अभी सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं कि सेथ रॉलिंस की टाइटल को कौन फेस करने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो यहाँ पर जो है एडम पियर्स बोलते हैं कि हमने टोटल 12 बंदे चुने हैं जो कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई करेंगे, और आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि कौन कौन से वो सुपरस्टार्स हैं। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट मैच होता है वो अनाउंस होता है, जो कि था ड्रू मैकइंटायर वर्सेस एजे स्टाइल्स का। एंड तभी यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर आ जाते हैं, ड्रू मैकइंटायर आकर बोलने लग जाते हैं अपनी टी शर्ट के बारे में कि भाई मेरी इससे बहुत ज्यादा कमाई हो रही है इस टी शर्ट से जो कि सीएम पंक को ट्रोल कर रही थी। एंड उसके बाद वो कोडी रोड्स के बारे में बोलते हैं कि भाई कोडी रोड्स ने अच्छा डिसीजन लिया है कि उसने रोमन रेंस को चूज किया है अपनी स्टोरी फिनिश करने के लिए, और साथ ही साथ उसने मेरा जो स्पॉट है उसको खाली छोड़ दिया है रेसलमेनिया के लिए। एंड फिर हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये मैच बहुत कमाल धमाल का मैच था। इस मैच की एंडिंग में एजे स्टाइल्स जैसे ही रोल अप करते हैं ड्रू मैकइंटायर को, तो भाई वहां पर रिंग साइड पर एले नाइट डिस्ट्रैक्ट कर दिए थे रेफरी को, और इसकी वजह से जो एजे स्टाइल्स ने अटैक कर दिया था एले नाइट के ऊपर, लेकिन भाई ड्रू मैकइंटायर ने यहाँ पर क्लेमोर किक जड़ दी थी एजे स्टाइल्स के ऊपर। एंड यहाँ पर पिनफॉल के सहारे से वो क्वालिफाई कर जाते हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए। उसके बाद एक और क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है जो कि था विमेंस डिवीजन का, जिसके अंदर बियांका ब्लेयर और मी चैन जो है वो कम्पीट कर रही थी, और इस मैच के अंदर बियांका ब्लेयर ने अपनी केओडी लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री कर ली है। तो यहाँ पर दो वुमेन्स जो है वो क्वालिफाई हो चुकी है वुमेन्स चैंबर मैच के लिए, पहले तो बैकी लिंच एंड अब बियांका ब्लेयर। एंड उसके बाद यहाँ पर बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखाई देता है जहाँ पर ट्रिपल एच हाथ मिलाते हैं ब्रॉन ब्रेकर से, साइड में से भाई निकल कर आ जाते हैं पॉल हेमन, और पॉल हेमन ने भी यहाँ पर हैंडशेक किया था ब्रॉन ब्रेकर के साथ। एंड यहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं ट्रिपल एच से कि मैं नेक्स्ट वीक आने वाला हूँ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर रोमन रेंस के साथ, एंड जाते जाते बोला कि द रॉक के साथ भी। तो आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर आपको ये तीनों एक ही टीम के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर बेली का सेगमेंट भी आता है जिसके अंदर जो डैमेज कंट्रोल है वो घेर कर खड़ जाती है बेली को, लेकिन वहां पर डकोटा काई जो है वो ज्वाइन कर लेती है बेली को, एंड वहां से डैमेज कंट्रोल को भागना पड़ जाता है। तो आज का जो मेन इवेंट था वो भी एक क्वालिफाइंग मैच था एलिमिनेशन चेंबर के लिए, जो कि हो रहा था रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। और भाई ये मैच भी काफी ज्यादा बढ़िया मैच था, इस मैच के अंदर हमें बहुत सारी मूव्स देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया थी। तो इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि रैंडी ऑर्टन की तरफ से विंटेज डीडीटी देखने को मिलती है सैमी ज़ेन के ऊपर, एंड उसके बाद एक दो बार तो भाई यहाँ पर आरकेओ मिस हो जाती है, लेकिन भाई एंड में यहाँ पर सैमी ज़ेन को खानी पड़ जाती है आरकेओ रैंडी ऑर्टन की तरफ से। एंड इसके बाद यहाँ पर पिनफॉल के सहारे से रैंडी ऑर्टन क्वालिफाई कर जाते हैं चेंबर मैच के लिए। तो यहाँ पर दो मेंस भी जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं इस चेंबर मैच के लिए, पहले तो ड्रू मैकइंटायर एंड अब रैंडी ऑर्टन। तो यहाँ पर स्मैकडाउन की एंडिंग होते होते जब रैंडी ऑर्टन सेलिब्रेशन कर रहे थे तो यहाँ पर पीछे से ड्रू मैकइंटायर भी आ जाते हैं, तो इनका यहाँ पर थोड़ा सा फेस ऑफ भी होता है। तो इस तरह से आज के जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसकी एंडिंग हो जाती है। तो मुझे तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यार ठीक ठाक सा लगा, क्योंकि भाई जिस तरह से कल के दिन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो यहाँ पर रोमन रेंस एंड द रॉक का आना बनता था इस शो के ऊपर, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली ये दोनों भी शो के ऊपर नहीं थे आज के दिन। बाकी आपको कैसे लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन बताना जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।